जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम लोक उजागर, ज्ञान गुण अलियत बजरंगी, सबके साथ साराम कृष्ण काली मात। पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है बीओके। गिलगित बाल्टिस्तान में सबसे बड़ी बगावत, अली को जरब लगी तुम्हारी। बागियों ने कहा हम पाकिस्तानी नहीं, जिन जिन को। तो ये है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का गिलगित बाल्टिस्तान। नहीं ऐसी नहीं मनाते, ऐसी मातम चढ़ाए खत्म। उन्होंने हम ग्रेनेड बांधेंगे, ग्रेनेड बांधोगे, ब्लास्ट ब्लास्ट करोगे, स्विच ऑफ ना, ना बुरखा। ये क्या कह रहे हो? मजमा हमें तवज्जो का बाइस अमेरिकन गोरियां गालियां रशियां। गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी फसादात जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम बड़ी मेन शहराओं को बंद कर दिया गया है, टूरिज्म वहाँ पर बंद हो गई है, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद है, स्टूडेंट वहाँ पर स्टक हो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में लोगों ने सरकार के खिलाफ बेहद तीव्र प्रदर्शन करते हुए चेतावनी जारी की है कि सरकार उनके खिलाफ दमन का रास्ता अख्तियार करेगी तो वो गृहयुद्ध करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान का विलय पड़ोसी मुल्क भारत में कर देंगे। यकीन न आए तो देखिए पूरा वीडियो। इजाजत दे दी, याद रखो अगर रास्ते में कोई गलत वाकया हो गया तो मौला अली को जरब लगी तुम्हारे पैरोकारों ने मारी, लेकिन मौला ने जिन जिन को जरब मारी ये भी याद रखो हम उसके पैरोकार हैं। तुम्हारी तरफ से एक जरब आई तो दो जरब हमारी तरफ से। नमस्कार दोस्तों, एक और जहां पाकिस्तान में भूखमरी के हालात दिखाई दे रहे हैं और वहीं कुछ लोग हैं वो बजरंग बली का नाम लेकर उनसे रक्षा करने के लिए बोल रहे हैं, और वहीं पाकिस्तान में जो हालात है बहुत खराब हो जाते हैं, वहां पर खाने पीने की चीजों के इतने दाम बढ़ गए, और वहीं पाकिस्तानी लोग अब तो कुछ ये बोलने लगे कि उनकी सैलरी 10,000 है लेकिन उनका लाइट का जो बिल है वो 40,000 रुपए तक आ रहा है, और वहां के बलूचिस्तान में जो है वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अब ये बोलने लगे कि इंडिया तुम बॉर्डर खोलो, हम पाकिस्तान में आना चाहते हैं। आखिर क्या है पूरा वीडियो, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, उनके चैनल को भी देखिएगा। साथ साथ अमेरिका भी हमारा दुश्मन है, खुले खुले लफ्जों में नहीं है लेकिन दुश्मन हमारा है, इंडिया हमारा दुश्मन है। किसी वक्त किसी जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग मार रहे हैं, ये उन्हीं के पाले पॉलिसी है। वो तरक्की कर रहे हैं, उनको दे के हम किने क्यों तरक्की नहीं? हमें तो उन्होंने बांध दिया है। अच्छा, हमें तो उन्होंने एक तीन वक्त की रोटी में बांध दिया है। ये उनकी पॉलिसियाँ तो कामयाब हो चुकी हैं। उन्होंने दो बंदों हमारे ऊपर वालों को जो है ये देखें इधर आए। 15,000 रुपया बिल आ गया, मकान का किराया उन्होंने कितना बिल आया, की करिए रोटी खाइए या बच्चे मार देगी। एक और पाकिस्तान में अलग ही बलूचिस्तान के मामले में लोग सड़कों पर उतर आ गए और अब वो इंडिया को बॉर्डर खोलने के लिए बोल रहे हैं। जहाँ एक और जो कि पाकिस्तानी सबसे ये बोल रहे हैं कि मकान का किराया नहीं है उससे ज्यादा तो इनका लाइट का बिल आ गया 15,000, अगर लाइट का बिल चुकाएंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कैसे इनकी संस्था चलेगी। खैर उसी समय अभी जो पाकिस्तान है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हालात खराब होते, पूरी दुनिया त्यौहार मना रही है, खुशियां मना रही है, क्या खुशियां मना रही, इंडिया के त्यौहार अमेरिका में मनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ओ अल्लाह का नाम सच्चा है, अल्लाह के नाम से कोई सच्चा नहीं, ना कोई ईमान का सच्चा है, ना कोई नमाज का सच्चा है। अपने टट खाने वाले गरीबों ने लुटे, तादना ने बत्ती गत खाते, गरीबों की बत्ती बता देती नहीं। जी बिजली के बिल के मारे हैं, जिससे भी बात करो जनाब, बिजली के बिलों ने पूरे पाकिस्तान के आवाम की मत मारी हुई है। हमारे मुल्क में खुशियां कहां से आएंगी जहां पे बिल ही नहीं पूरे हो रहे, खुशियां कहां से आएंगी? पाकिस्तान के हालात इतने खराब है कि वहां के जो सरकार है उसको टैक्स कलेक्शन के लिए बिजली बिलों को बढ़ाना पड़ रहा है, वही पेट्रोल डीजल की जो कीमतें है वो बहुत बढ़ गई है, वहां पर जो आटे के लिए लोग लाइन में लगे हुए उनको आटा नहीं मिल रहा है खाने के लिए, और पाकिस्तान में ये सब बहुत ही चरम पर। भाई इंडिया आप पे हंस रहा है, ये रास्ते की बात नहीं कर रहा है, कह रहे कि शर्म करें आप शर्म करें कि अगर गिलगित के ये मामला हल नहीं होते हमें मतलब गिलगित से रास्ता दे इंडिया के लिए, ये कोई करने वाली बात है? ये हमारी हुकूमत की ना अहली है कि उन्होंने हमारे दुश्मन को मौका दिया हुआ है, ये हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हंस रहा है। ये मतलब आपका घर का मामला तीसरा फरीक हल करने के लिए आगे आता है, हमारे लिए शर्म और डूब मरने का मुकाम है। सभी ने इस वीडियो में देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहां पर भूखमरी और जो महंगाई है वो इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि आम जो जनता है उनको दो वक्त की रोटी है वो मुहैया नहीं हो पा रही, और वहां के जो लाइट के बिल है वो इतने बढ़ गए हैं, वहां पे इतने ज्यादा टैक्स लग चुके हैं कि एक आम आदमी के मकान का किराए से 5 गुना तक जो उसका लाइट का बिल आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी जनता ये बोल रही है उनकी सरकार से कि वो किस तरीके से सर्वाइव करेगी, इतने में अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।